नमस्कार दोस्तों, बंगाल के जो लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उनके लिए बड़ी खबर। ममता ने अभी अभी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 105 अतिरिक्त ट्रेनें चलेंगी। तो दोस्तों कब से चलेंगी और क्या क्या करना है, तो दोस्तों सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है और आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और दोस्तों बताइएगा कि आप कहाँ फंसे हुए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, न्यूज में जानकारी पब्लिश किया गया है, ममता का ऐलान अलग अलग राज्यों में फंसे बंगाल के लोगों के लिए चलेंगी 105 अतिरिक्त ट्रेनें। कोरोना संकट के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर और लोग फंसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं उनके लिए राज्य सरकार की ओर से 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलवाने का फैसला लिया गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दोस्तों देख सकते हैं उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बंगाल के जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए सरकार की ओर से तैयारी की गई है। इसके लिए 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। बता दें कि राज्य सरकारों की सिफारिश पर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें दी जा रही हैं। ममता बनर्जी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ये ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों से बंगाल के लिए चलेंगी। ट्रेन कहां से और कब चलेगी इसकी जानकारी भी ममता ने अपने ट्वीट में दी है। दोस्तों स्क्रीन पर जो ये लिस्ट देख रहे हैं इसमें ट्रेन का नाम दिया गया है, कौन सी ट्रेन कहाँ के लिए चलेगी, कब चलेगी, कितने बजे चलेगी। जी हाँ दोस्तों, बंगाल के जो लोग फंसे हुए हैं अन्य राज्यों में वो ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, शहर का नाम दिया हुआ है, किस स्टेशन से ट्रेन चलेगी और कहाँ रुकेगी और कितने बजे चलेगी, कब चलेगी, पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देख लीजिए, इसमें पूरी जानकारी दी हुई है, आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।